हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ जालानी कंपनी का पानी पूरी। दोस्तों, जालानी कंपनी का ये जो गोलगप्पे का पैकेट है, इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया है जिसको काफ़ी व्यूवर्स लोगों ने पसंद किया है और उसके काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं। 12,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिले हैं उसमें। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और वो जो पैकेट था दोस्तों, वो 25 रुपये का छोटा पैकेट था। और ये जो है, ये भी जलानी कंपनी का ही है, लेकिन ये 50 रुपये का पैकेट है ये। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले पैकेजिंग दिखा देती हूँ। इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, 50 रुपये का ये पैकेट है और इसमें 50 पूरी हमें मिलती है। इसमें हमें सब मेंशन दिया है किस तरह से हमें इसे बनाना है और इसमें कौन कौन से पाउडर दिए गए हैं, चटनी वगैरह इसमें दी गई है, सब चीज़ इसमें मेंशन दिया है। और 220 ग्राम इसका वेट है और पैकेजिंग डेट है इसकी मई 2020। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। इस जालानी कंपनी के पैकेट में हमें 50 रुपये में 50 पीसेस मिलते हैं पूरी के। और हमें यहाँ पे पाउडर मिल जाता है, पुदीना पानी पाउडर मिलता है, खजूर इमली की चटनी का पाउडर मिल जाता है साथ ही, और साथ ही मिलता है हमें खट्टी मीठी इमली की चटनी का पाउडर। तो सबसे पहले हम पूरी को निकाल लेते हैं। दोस्तों, पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है जलानी कंपनी का रेडीमेड गोलगप्पे का, और वो जो पैकेट था 25 रुपीस में था, उसमें 30 पूरी के पीसेस हमें मिले थे। और इसका जो टेस्ट है वैसा ही है, वही कंपनी है, सेम टू सेम। और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी है वही साइज़ आपको मिलती है इसमें, और टेस्ट में भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे इसमें। अब यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उबले आलू मैंने लिए हैं 10-12, इसे मैंने उबाल लिए हैं और इसमें हमें मिला लेते हैं कुछ चीज़ें। आपको जो अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बारीक एक प्याज ली है कटी हुई। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ समार, हरी समार कटी हुई, और 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब दोस्तों, इसे हम हाथों से ही मिला लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ही मिल जाएगा। तो आप अपने हाथों को धो लें अच्छी तरह से और हाथों से मिला लें। अब ये आलू का मसाला हमने तैयार कर लिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं खजूर इमली का पाउडर जो पैकेट मिला है उसे ओपन कर लेते हैं और इसका हम तैयार कर लेते हैं चटनी। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पाउडर हमें मिला है वाइट कलर का, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच, क्योंकि मैं इसकी गाढ़ी चटनी तैयार कर रही हूँ। अगर आपको पतली पसंद है तो आप ज़्यादा पानी इसमें मिला सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है, मैंने सिर्फ पानी मिलाया है, क्योंकि इसकी जो चटनी है खजूर इमली की, ये मीठी चटनी है, तो इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, मीठी चटनी है ये। मैंने इतना गाढ़ा इसे रखा है। खट्टा मीठा इमली का पाउडर ले लेते हैं, अलग बर्तन में मैंने लिया है, और इसका जो पाउडर है वो भी वाइट है। इसमें मैं मिला रही हूँ पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी। इसे इसका पानी मैं पतला करने वाली हूँ। अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसे। और इसमें भी मैंने कुछ डाला नहीं है, इसमें नमक मिर्ची और खट्टापन है इसमें, तो इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है। यहाँ पर तीसरा पैकेट मैं ओपन कर रही हूँ पुदीना पानी पाउडर,
और इसका पाउडर आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अलग बर्तन में निकाला है पुदीना का पाउडर, आप चाहे तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं, खट्टा मीठा जो पाउडर है उसमें आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं इस पुदीना पानी को। यहाँ पर मैंने अलग अलग तैयार किया है, खट्टा मीठा जो पाउडर था उसमें मैंने ऐड नहीं किया, इसमें आप चाहे तो दोनों को मिला सकते हैं आप। तो यहाँ पर तीनों जो पाउडर है मैंने ओपन कर लिया है और तीनों को हमने अलग अलग बर्तन में तैयार कर लिया है। अब हम पूरी को तल लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है और तेल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तलने के लिए। तेल को हमें पहले अच्छा गर्म कर लेना है और गैस की आँच कम करते हुए हमें पूरी को तलना है। और आपको ज़्यादा तेल इसका गर्म नहीं करना है, एकदम धुआं नहीं फूटना चाहिए, नहीं तो जो पूरी है वो थोड़ा ब्राउन हो सकती है, ज़्यादा लाल हो जाएंगी और फिर उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। तो हमें इसका गैस इसका कम रखना है, गैस की आँच कम रखते हुए हमें तलना है और जो चम्मच से हमें इस पूरी को पलटाते रहना है, घुमाते रहना है, बीच बीच में हमें इसे पलटाते रहना है। बहुत जल्दी ये फूल कर तैयार हो जाती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर चार पूरी एक साथ डाली है और बहुत जल्दी ये फूल गई है और बहुत एकदम ज़्यादा हमें इसे लाल नहीं करना है। फूल जाने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। मैं और आपको तल कर दिखा रही हूँ अभी। आप एक साथ तीन चार पूरी डालकर तल सकते हैं, बस आपको सब पूरी को चम्मच से चलाते रहना है, पलटाते रहना है फूलने के लिए। जिस तरह हम गेहूं की पूरी तलते हैं उसी तरह हमें इसे तलना है। अब मैंने यहाँ पर सारी पूरी तल लिया है और सारी की सारी फूली नहीं है, कुछ कुछ है जो नहीं फूली है मगर फूटी नहीं है, और जो फूली नहीं है उसे भी आप खा सकते हैं। जैसा हम मार्केट से लेते हैं तो उसमें भी हमें कुछ मिल जाती है टूटी फूटी। दोस्तों मैंने आपको पूरी की आवाज़ सुनाई है, इससे आपको पता चल गया होगा कि पूरी कितनी बढ़िया बनी है और कुरकुरी भी है। और जैसा हम मार्केट से लेके खाते हैं वैसे इसका स्वाद आपको मिलेगा, 19-20 हो सकता है, लेकिन खाने के बाद आपको बिल्कुल ये लगेगा कि भाई पानी पूरी बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। अब दोस्तों मैं आपको एक फोड़ कर उसमें मसाला और पानी भर के दिखा देती हूँ। दोस्तों आप भी ट्राई करिएगा। और ये जो जलानी कंपनी का पैकेट है ये आपको आराम से किराना शॉप में मिल जाएगा, आपके घर के पास के छोटी दुकान में आपको मिल जाएगा। तो आप भी एक बार बना के देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।